हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। दोस्तों, आज का जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन साथ ही काफी इंटरेस्टिंग भी। देखिए, किसी भी फ्यूल को जलने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन और ज्यादा एयर की जरूरत पड़ती है। जितना अच्छा सप्लाई एयर का इंजन को मिल जाएगा उतना ही बेहतर फ्यूल बर्न करेगा। सालों से रिसर्चर्स और साइंटिस्ट्स इस चीज के पीछे लगे हुए थे कि क्या करें कि इंजन को एडिशनल एयर का सप्लाई मिल सके। इस पूरी समस्या का हल, इस पूरी समस्या का समाधान था टर्बो चार्जर। तो दोस्तों, आज का सेशन इसी के बारे में है। टर्बो चार्जर क्या होता है और वो कैसे काम करता है, तो चलिए शुरू करते हैं। आइए देख लेते हैं एक इंजन जिसपे टर्बो चार्जर लगा हुआ है वो कैसे काम करता है। साधारण इंजन के अंदर एग्जॉस्ट गैसेस वेस्ट हो जाती है, उनको सीधे पर्यावरण में छोड़ दिया जाता है, लेकिन एक टर्बोचार्ज्ड इंजन के अंदर ऐसा नहीं होता। एग्जॉस्ट गैसेस जैसे ही सिलेंडर से बाहर निकलती है उनका स्पीड बढ़ा दिया जाता है और बहुत तेजी के साथ वो टर्बोचार्जर के पहले पार्ट से टकराती है, जो कि होता है एक हाई स्पीड टर्बाइन व्हील। इतनी तेजी के साथ यह हवा टकराती है कि इस टर्बाइन व्हील को बहुत ही जबरदस्त स्पीड से घुमा देती है। इसकी स्पीड 1.5 लाख से 3 लाख आरपीएम के बीच कुछ भी हो सकती है, इतना ज्यादा इन हवा के अंदर प्रेशर और स्पीड होता है। इसके बाद ये एग्जॉस्ट गैसेस पर्यावरण में बाहर चली जाती है। यहां पे इन एग्जॉस्ट गैसेस का काम खत्म, लेकिन जाते जाते उन्होंने अपना एक इंपॉर्टेंट फंक्शन पूरा कर दिया, वो ये कि टर्बाइन के व्हील को जोर से घुमा दिया एट अमेजिंगली हाई स्पीड्स। इस तेजी से घूमते हुए टर्बाइन व्हील से एक और टर्बाइन व्हील जुड़ा हुआ होता है। ये टर्बाइन व्हील थोड़ा डिफरेंट होता है, इसका काम सक्शन का होता है। फर्स्ट टर्बाइन व्हील के घूमने के कारण सेकंड टर्बाइन व्हील भी हाई स्पीड्स पे घूमने लगता है, उतनी ही हाई स्पीड्स पे जितनी की पहला टर्बाइन व्हील घूम रहा है, और इसकी स्पीड इतनी जबरदस्त हो जाती है कि काफी सारी हवा को पर्यावरण से खींच लेता है इंजन की तरफ। इसकी स्पीड फर्स्ट टर्बाइन व्हील जितनी ही है, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि पहला टर्बाइन व्हील सिर्फ घूम रहा है, दूसरा टर्बाइन व्हील घूमने के साथ साथ पर्यावरण की हवा को सोख रहा है बहुत ही ज्यादा कैपेसिटी के साथ। ये सारी की सारी हवा फिर इंजन की तरफ धकेल दी जाती है। ये एक इंटरकूलर से होते हुए इंजन की तरफ पहुंचती है। इंटरकूलर का काम यह है कि वो इस हवा का घनत्व और बढ़ा देता है और फाइनली इस हवा को इंजन के अंदर डाल देता है। देखिए दोस्तों, देखने में ये प्रोसेस काफी सिंपल लग सकता है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस को, टर्बोचार्जर को इंजन के साथ कंपैटिबल बनाने के लिए हाई लेवल ऑफ इंजीनियरिंग लगता है। और जब ये पूरा प्रोसेस हो जाता है तो इंजन को एक्स्ट्रा हवा मिल जाती है। उसके सिंपल से 3 फायदे होते हैं। फायदा नंबर 1, जैसे ही एडिशनल हवा अंदर आती है तो फ्यूल बेटर कंबस्ट होता है, पूरी तरह से जलता है और एकदम खुल के जलता है। इस कारण से सबसे पहले पावर ज्यादा मिलती है। सेकेंडली, जब ये पूरी तरह से फ्यूल बर्न होगा तो बेटर माइलेज भी गाड़ी को देगा। एंड थर्डली, अगर ये फ्यूल ढंग से बर्न होगा तो अब की बार जो एग्जॉस्ट गैसेस इंजन से बाहर निकलेगी वो बड़ी ही क्लीन होगी, क्योंकि उनके अंदर हार्मफुल पोल्यूटेंट्स नहीं होंगे, क्योंकि फ्यूल अब की बार ढंग से बर्न हुआ है, पूरा बर्न हुआ है। दोस्तों, यही टर्बोचार्जर का काम है और ये इसके 3 बड़े फायदे हैं। टर्बोचार्ज्ड इंजन्स ने साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। अब छोटे इंजन ही बड़े इंजनों जितनी पावर दे देते हैं, छोटे इंजन ही काफी किफायती बन गए हैं, तो साइंटिस्ट को और इंजीनियर्स को बड़े बल्कि इंजन्स नहीं डिजाइन करने पड़ते। तो कुल मिला के टर्बोचार्जर अपने आप में क्रांतिकारी इनोवेशन है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंदर। तो दोस्तों, आज के सेशन में टर्बोचार्जर के बारे में इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग पेशेंटली टू मी। अगर आपको ऐसे वीडियोस रोज रिसीव करने हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो किसी और के भी काम आ सकता है तो उनके साथ भी इस वीडियो को जरूर से शेयर कीजिए। सीखते रहिए, सिखाते रहिए। टेक केयर एंड जय हिंद।